हाँ जी, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक इज व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर। वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, लिखाया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है इसके अंदर, बट फिर भी यहाँ पर देखो आंसर कितने बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको बड़े आराम से अपने कॉपी के अंदर उतार सकते हो। द थिंग इज इट रेफर्स टू द सेट ऑफ कंजम्पशन बंडल दैट आर अवेलेबल टू और अफोर्डेबल बाय द कंज्यूमर व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ हिज हर इनकम लेवल एंड द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। तो नीरज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या है, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट हैज सेड, व्हाट डू यू मीन बाय द बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर। तो आप प्लीज अपने लैंग्वेज में मेरे को एक्सप्लेन करिए, पढ़ पढ़ के चाहे तो आप एक्सप्लेन करिए। सर बजट सेट इज अ सेट ऑफ टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब जो कंज्यूमर की जो इनकम है उसके अंदर वो ऐसे कौन से टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स खरीद रहा है जो उसको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे रहा हो। मतलब इसको अगर आप प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में हम लोग बोले तो क्या हो गया कि आपके पास जो मार्केट प्राइजेस है और जो इनकम लेवल है, आपका जो इनकम है और जो मार्केट प्राइजेस है उसको हम ध्यान में रखते हुए हाँ, जो जो चीज अवेलेबल है उसका जो मैचिंग पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं बजट सेट, वो जो हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराए, व्हिच कंज्यूमर कैन अफोर्ड। यस, वही तो हो गया ना, मार्केट प्राइस और इनकम लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर एक ड्रॉइंग भी बनाया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है, तो ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम विद दिस। व्हाई, बिकॉज जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो ये इजीली आपके दिमाग में घुसता है एंड When your exams are nearby, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप इस डायग्राम को देख के भी जा पाओगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ बजट लाइन, अ बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर अफोर्डेबल एंड आर अवेलेबल टू ऑल कंज्यूमर व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ हिज और हर इनकम लेवल एंड मार्केट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। लेट एक्स वन, नाउ देखो एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल। लेट एक्स वन बी द अमाउंट ऑफ गुड वन, एक्स टू बी द अमाउंट ऑफ गुड टू, P1 be the price of good one and P2 be the price of good two. P1 X1 equals to total money spent on good one. आप अगर P1 और X1 मान लो, amount of good one हो गया and P1 is the price of good one. So P1 X1 क्या हो गया? Total money spent on good one and P1 X2 total money spent on good two. Then the budget line will be P1 X1 plus P2 X2 is equals to total income. P1 X1 और P2 X2 को जब आप add कर दोगे तो क्या हो जाएगा? Total income. All the consumption bundles on the budget line cost the consumer exactly the equivalent of his or her income. यहाँ पे S missing है, इस जगह पर आप HIS कर लेना, his or her income हो जाएगा। तो सारे consumption bundles मतलब X1 पर कितना price है, X2 का कितना price है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, उन सारे bundles को मिला के X3, X4 अगर होते तो उनको भी मिला के जो plus करते हैं, sum करते हो और जो final result आता, आप जब उसको set करते हो तो वो जो बजट लाइन होता है वो इक्वल टू किसके होता है, वो इक्वल टू हिज और हर इनकम के होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं वो इनकम में से कुछ सेव नहीं कर रहा, वो ही उसका इनकम है जो वो खर्चा कर रहा। ठीक है, एक्सप्लेन बाय द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मेरे को कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में चलेगा, एनीवन प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस, गो फॉर इट एंड So the budget line is downward sloping as more of one good can be bought by decreasing some units of another good. Okay. चलो ये मतलब diminishing. हाँ. चलो very good. अब देखो यहाँ पर जो answer लिखा हुआ उसका language पढ़ो. Language. Start करो, हाँ अभी पढ़ो language. The budget line is negatively sloped. Line, the slope of a budget line measures. गलत. Please एक-एक word को चबा-चबा के पढ़ो. Downward आप खा गए भी. The budget line is a negatively downward sloping line. The slope of a budget line measures the amount of good two that must be sacrificed in order to get additional unit of good one. As the consumer income is fixed, the budget line is downward sloping because in order to increase the consumption of one good, the consumption of another good must be reduced with the constant income. The slope of budget line is minus P1 upon minus P2
delta equals to delta x2 upon delta x1, which implies the rate of exchange or the rate at which good 2 can be substituted for good 1. Now, अब अगर मैं आपने जो बोला वो और इस आंसर को सामने रखूं, तो अगर कोई बच्चा जिसको इंग्लिश आती हो वो इस आंसर को समझ जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा कि नहीं, उसको बजट नहीं। मैं पहले दिन से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट व्हाइल यू आर सॉल्विंग और राइटिंग एनी आंसर ट्राई टू बी एग्जैक्ट, कि आपको ये समझना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता या जो आपकी कॉपी ले रहा है उसको कुछ नहीं आता, उसको डिटेल्स मिल जाए। ओके, तो आई बिलीव इट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाता है और इक्वेशन आ जाते हैं, तो इसके ऊपर आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं जिससे पूछूंगा वो अनम्यूट करके तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। A consumer wants to consume two goods. The prices of the two goods are rupees 4 and rupees 5 respectively. The consumer's income is rupees 20. Write down the equation of the budget line. कौन मेरे को equation लिख के बताएगा इसका budget line का? Make it fast. जो मेरे को budget line का equation बताए। P1 is equal to rupees 4, P2 is equal to rupees 5, M is equal to rupees 20. Equation of the budget line is equal to P1 X1 plus P2 X2 is equal to income. 4 X1 plus 5 X2 is equal to rupees 20. Got it? इस तरह से आपको सॉल्व करना है पूरा डिटेल में बता के। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ गुड वन कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ ही और शी स्पेंड्स हिज और हर एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। कौन बताएगा? सर 5। हाउ? सर क्योंकि उसके सर उसके एंटायर इनकम तो एक गुड वो X1 खरीदने में चली गई, तो X2 तो जीरो हो जाएगा। हाँ। और 4 रुपीस उसका प्राइस है और 20 रुपीस वो है, तो इक्वेशन में पुट कर दो X की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड, वेल डन उशाल, शाबाश। अब देखो इसी को प्रॉपर्ली सॉल्व किया हुआ, एक रुपीस 20 इज एंटायरली स्पेंट ऑन गुड 1, देन द अमाउंट ऑफ गुड 2 डिमांडेड विल बी 0, दैट इज X2 इज इक्वल टू 0। एज द कंज्यूमर हैज नो इनकम लेफ्ट टू स्पेंड ऑन गुड 2, 4X1 plus 5 into 0 is equal to 20. इसका मतलब क्या हो गया, 4x1 is equal to 20, x1 is equal to 20 by 4, x1 is equal to 5, amount of good one consumed is equal to 5 units, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ, how much of good 2 can be consumed if he or she spends his or her entire income on that good? अब इसको आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे इसके पहले वाले को सॉल्व किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा amount of good 2 consumed is equal to 4 units, ठीक है। नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? अब आपको ये बताना है कि स्लोप क्या है बजट लाइन का। यस खुशबू, गो फॉर इट, गिव मी द आंसर, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? वेट वाही, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन खुशबू? सो हाँ बोलो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? So price of x upon price of y. Price of x upon price of y. 0. Point, yeah. ये रहा देखो आपके सामने लिखा हुआ है x और y नहीं है, ये 1 और 2 है ना, price of x1 और x2. जो भी good 1 and good 2, तो 0.8. जीरो माइनस 0.8, माइनस नहीं भूलना है, मैं याद रखना सब लोग प्लीज, ठीक है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू माइनस p1 by p2 माइनस प्राइस ऑफ गुड 1 by price of good 2 इज इक्वल टू माइनस 4 by 5 इज इक्वल टू माइनस 0.8. Well done, Kuju. Now next question. अब इसका answer Y देगी. हाँ बोलो मनीष. सर इससे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सर, उसमें स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना बजट लाइन? Obviously, क्योंकि आपका एक कंज्यूमर का गुड तो है ही नहीं ना, जीरो है. तो कांस्टेंट है MRS इसका मतलब? हाँ. ठीक है, बिकॉज़ आप तो एक जगह तो कुछ भी है ही नहीं. चलो नेक्स्ट. How does the budget line change if the consumer's income increases to rupees 40 but the prices remain unchanged? बताओ मेरे को, वही आपको आंसर देना है। हाउ डिज द बजट लाइन चेंज इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस टू रुपीज 40 बट द प्राइसेस रिमेन अनचेंज? सो प्राइसेस फोर्थ क्वेश्चन के ही है ना? हाँ प्राइसेस फोर्थ क्वेश्चन के ही है। तो सर वो 4x1 प्लस 5x2 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्राइस सेम है और हमारा वो चेंज हो रहा है इनकम, इसीलिए। ओके आगे आपको बजट लाइन के बारे में बताना है कि उसका शिफ्टिंग कैसा होगा। सर एक सेकेंड। सर तो बेटा रुको, वाई के जवाब देने दो, दो सेकेंड रुक जाओ अंजलि।
सर ये जो बजट लाइन है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, मतलब वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि इनकम हमारी बढ़ेगी। एंड स्लोप कैसा रहेगा? स्लोप सर जो पहले वाला बजट लाइन बना है उसके पैरेलल। हाँ, तो मतलब सेम स्लोप रहेगा। व्हाई? बिकॉज़ द प्राइसेस हैव नॉट इंक्रीज्ड एंड जो दोनों का जो कमोडिटी का प्राइस है क्योंकि सेम था, इनकम बढ़ा है, तो दोनों कमोडिटी से खाली शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, बाकी पैरेलली शिफ्ट होगा और दोनों का जो स्लोप है वो सेम रहेगा। देखो सेम। As M has increased, the consumer can now purchase more of both the goods and the budget line will shift parallelly outwards to A dot B dot from A B. ठीक है? ये रहा parallelly outward. ये रहा आपका जो budget line बन जाएगा नया यहाँ पर. ठीक है everyone, have a look at it properly. ठीक है? ये रहा old budget line, 4 and 5 unit good one or good two ये रहा. ठीक है? And ये new budget line आ गया आपका. तो इधर जो new budget line है वो ये रहा. Old budget line. प्राइस ऑफ गुड टू डिक्रीजेस बाय अ रुपी बट द प्राइस ऑफ गुड वन एंड द कंज्यूमर इनकम रिमेन अनचेंज्ड। अवॉन ट्राइड आउट, how does the budget line change if the price of good 2 decreases by a rupee but the price of good 1 and the consumer income remain unchanged? Then hai wo 4 rupees tha aur jo price 2 hai wo bhi 4 rupees ho jayega ha aur income uski 40 rahegi to 4x1 plus 4x2 is equals to 40। बेटा 40 नहीं रहेगी ना, इनकम तो हम अनचेंज मान रहे हैं, 20 मान रहे हैं। तो उससे आगे वाले क्वेश्चन में 40 हो गई थी ना। भूल जाओ ना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 20 से स्टार्ट किया, तो आपको 20 रखना है। ओके सर, 20। ठीक है, तो इनकम ऑफ द प्राइस ऑफ गुड वन आर अनचेंज्ड, द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड टू विल इंक्रीज द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकली जो बजट लाइन है गुड टू जहाँ पर है वहां पर वो इंटरसेप्ट बदल जाएगा, तो ऊपर के साइड में एक ग्रोथ आएगा और नीचे के साइड में सेम रहेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये रहा देखो, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एम बाई पी वन इज इक्वल टू 40/4, एम बाई पी वन इज इक्वल टू 40/4, माइनस पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1, स्लोप। ये रहा स्लोप देखो, ठीक है, ये 8 और 10 का था, अब वो 10 और 10 का आ गया। ओल्ड बजट लाइन न्यू बजट लाइन, सॉरी आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट ईशान, हम 40 मान के चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, आपका देखो 8 और 10 था पहले, अब 10 और 10 हो गया क्योंकि प्राइस जो है गुड टू का वो 1 रुपया गिर गया, तो क्या हुआ, तो यूनिट कंज्यूम 2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ द न्यू बजट लाइन विल बी मोर एंड द न्यू बजट लाइन विल बी स्टीपर देन द ओरिजिनल वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द बजट सेज इफ द प्राइसेस एज वेल एज द इनकम डबल। क्या होता है बजट सेट का अगर प्राइस भी डबल हो जाए और इनकम भी डबल हो जाए तो? यस वाई, गो फॉर इट सर। जब प्राइस और इनकम दोनों डबल हो जाएगा तो बजट लाइन सेम ही रहेगी क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए, हाँ क्योंकि कंज्यूमर के लिए वो कॉम्बिनेशन पहले भी सेम था और अब भी सेम ही है क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ी और प्राइस भी। ओके वेरी गुड, अब देखो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, M1 is equal to ₹20, P1 is equal to ₹4, P2 is equal to ₹5। अब आपका सब कुछ डबल हो रहा है, तो M2 is equal to ₹40, P1 is equal to ₹8, P2 is equal to ₹10। देन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, M2 by P1 is equal to ₹40/8 is equal to 5। वर्टिकल इंटरसेप्ट में M2 by P2 is equal to ₹40/10 is equal to 4। स्लोप is equal to minus P1 by P2 is equal to minus 8/10 is equal to minus 0.8। तो सेम स्लोप बन रहा है, हेंस द वर्टिकल इंटरसेप्ट, द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल रिमेन द सेम। The new budget line will be the same as the old budget line but associated with higher income and higher prices of both the goods. लेकिन associate किससे हो जाएगा, higher income और higher price हो जाएगा दोनों goods का, लेकिन जो slope है budget line का वो same रहेगा। चलो question number 8, suppose a consumer can afford to buy 6 units of good 1 and 8 units of good 2. If she spends her entire income, the prices of two goods are rupees 6 and 8 respectively. How much is the consumer's income? निकाल के बताओ कंज्यूमर का इनकम क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेशन करो और निकाल के आंसर बताओ फटाफट, कौन लेता है देखते हैं।
बताया अंजलि, वापिस बोलना और वाई नहीं है सर, वापिस बोलना प्लीज सर। 100 बिकॉज P1 और P2 मतलब P1 6 है और X1 भी 6 ही है, 6 यूनिट्स है मतलब गुड भी। ठीक है यस सर, इट इज 100। वेरी गुड, वेल डन। तो सब 100 बोल रहे हैं, तो चलो हम लोग भी देख लेते हैं। यस इट इज 100। P1 इज इक्वल टू रुपीस 6, P2 इज इक्वल टू रुपीस 8, X1 इज इक्वल टू 6, X2 इज इक्वल टू 8, बजट लाइन इज इक्वल टू M, M इज इक्वल टू P1 X1 + P2 X2। तो आप जब कैलकुलेशन करते हो तो इनकम इज 100। वेल डन ऑल ऑफ यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम टू गुड, एक कंज्यूमर दो गुड खरीदना चाहता है विच आर अवेलेबल ओनली इन इंटीजर यूनिट। ठीक है, द टू गुड्स आर इक्वली प्राइस एट ₹10 एंड द कंज्यूमर इनकम इज ₹40। ये आपको सपोज करके बता दिया है कि ये कैलकुलेशन है। अब आप बताओ, राइट डाउन ऑल द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कौन कौन से बंडल कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है ये आपको बताना है। कौन बताएगा मेरे को? इंटीजर यूनिट्स में यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। हाँ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है, लेकिन आप मेरे को पूरा बजट सेट बताओ ना, कैसे आप दिखाओगे। हेलो, हाँ मुझे आप पूरा बजट सेट दिखाओ, आप कैसे दिखाओगे बताओ मुझे। सर बहुत सारे होंगे ऐसे तो। ऑब्वियसली होंगे, ये रहा देखो, द बंडल इन द स्टेटेड रीजन ए बी आर ऑल अवेलेबल टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द बंडल लाइन ऑन द लाइन ए बी। क्या क्या हो गया? 0001 02 03, बिकॉज ऑल आर इंटीजर। ठीक है, तो ये निकला कैसे हमारा? प्राइस ऑफ 1 इक्वल टू ₹10, प्राइस 2 इक्वल टू ₹10, m इक्वल टू ₹40, बजट सेट इज इक्वल टू p1 x1 + p2 x2, दिस इज इक्वल टू और लेसर देन m, 10x1 + 10x2 इज इक्वल टू और लेसर देन 40, द बंडल दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर शुड कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू ₹40। तो ये आपका ग्राफ बना, ग्राफ के अंदर जो अंदर का शेडेड रीजन है वो आपका बंडल बन सकता है, खरीद सकते हो कंज्यूमर। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट निकाला, स्लोप हमने निकाल दिया, ये रहा बंडल। बंडल्स इन द शेडेड रीजन ए ओ बी आर ऑल अवेलेबल टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग द बंडल्स लाइंग ऑन द लाइन ए बी। तो कौन कौन से बंडल्स है? ये रहे सारे बंडल 00 01 02 03 04, वैसे 10 11 12 13 14, तो ये सब अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। तो ये आपको निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है सर, इसमें हमने 10 अज्यूम किया है क्या? नहीं लिखा हुआ है, देखो, सपोज द कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम टू गुड्स, दिस टू गुड्स आर इक्वली प्राइस एट ₹10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अमंग द बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर आइडेंटिफाई दोस व्हिच कॉस्ट आर एग्जैक्टली ₹40। जो जो बंडल्स अवेलेबल है कंज्यूमर को आपको आइडेंटिफाई करना है उनको जो एग्जैक्टली ₹40 कॉस्ट करता है। यस गो फॉर इट सर। सर जीरो और फोर, थ्री थ्री एंड वन, देन टू एंड टू, देन वन एंड थ्री एंड फोर एंड जीरो। सर ये पूरी जो बीच में लाइन जा रही है ना, पूरी वर्टिकल, ये वाली। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। 0 4 1 3 2 2 3 1 एंड 4 0। वेल डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? कौन बताएगा मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? एनीवन प्लीज सर। हाँ बोलो भाई। Sir, it means that a consumer wants more of one commodity because it offers more satisfaction or higher satisfaction. Not more of one commodity, more of one bundle. आपके पास इतने सारे bundles हैं, उनमें से कोई एक ऐसा bundle वो choose करता है जो उसको higher satisfaction देता है. That is monotonic preferences because of this preferences. उसके खुद के कुछ preferences हैं. किसी कमोडिटी में उसको ज्यादा जब खाता है तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है और कोई कमोडिटी कम यूज करता है तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये देखो आंसर यहां पे दिया हुआ है, इट मींस दैट द कंज्यूमर प्रेफर्ड द पर्टिकुलर बंडल ओवर द अदर बंडल इफ द फॉर्मर कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। एग्जांपल, इफ बंडल ए इज इक्वल टू 3 एंड 5 एंड बंडल बी इज इक्वल टू 2 आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, then he or she will prefer bundle A over bundle B as bundle A consists of more units of good too than bundle B. Okay? So, chalo, ab hum aage badhte hain. If the consumer has monotonic preferences, can she be indifferent between the bundles in 8 and 8-6? Kaun dega answer? Agar consumer ka monotonic preferences hai, to kya indifferent reh sakta hai do bundle ke case mein 10, 8 or 8-6 ke case mein? Yes, Anjali, bolo. No sir, if a consumer has a monotonic preference then
शी शुड बी मतलब 10.8 वाला जो बंडल है वो ज्यादा प्रेफर करे क्योंकि इसमें ज्यादा मोर ऑफ बोथ गुड है. She will not prefer 8.6. Very good. यही आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. No, he or she cannot be indifferent towards these two bundles as bundle one consists of more of both goods as compared to bundle two. He or she will prefer bundle one over bundle two as it contains 10 units of good one and 8 units of good two as compared to 8 units and 6 units of good one and good two respectively in bundle two. चलो very good. 11 तक हो गया. Next question है आपका. Suppose a consumer's preferences are monotonic. What can you say about her preference ranking over the bundle 10, 10, 10, 9 and 9, 9? बताओ जल्दी से. Sir, may I? Yes, Khushbu, go ahead. Sir, the consumer will prefer 10 and 10, oh, 2, 10 or 9 or दोनों के लिए. मतलब 10, 9 and 9, 9.9 से prefer करेगा 10.10 को और फिर 10.9 को prefer करेगा 9.9 से. Yes, very good. 3, 2, 1 का set हमने बना दिया है. इस तरह आप table बना के answer लिख सकते हो. As the consumer preferences are monotonic, more is better and he or she will prefer bundle 1 over the rest of the bundle. This means that bundle 1 will be assigned a higher utility number that is 3 out of the available 3 bundles. Okay, number 13. Suppose your friend is indifferent to the bundles 5, 6 and 6, 6. Are the preferences of your friend monotonic? Batao. Answer the fatafat. Sir, same hi hai question. Nahin, batao preferences monotonic hai ki nahi hai? Nahin sir, nahi hai. मतलब he should prefer 6, हाँ he should prefer 6.6 over 5.6 as it contain more of one commodity and no less of other. Yes, very good. चलो इसका भी आंसर है. यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पहुँचते हैं. यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में रेडी रहना है. सपोज देर आर टू कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड एंड देयर डिमांड फंक्शंस आर एज फॉलोइंग. D1P इज इक्वल टू 20 माइनस P फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 20. And D1P is equal to 0 at any price greater than 20. D2P is equal to 30 minus 2P for any price less than or equal to 15. And D1P is equal to 0 at any price greater than 15. Find out the market demand function. Let me see for nikal ke deta hai. So here it is. Answer. D1P is equal to 20 minus P. ठीक है? आपको देखो यहाँ पर आपका आ गया P is less than 20 और P is infinity to 20. D2P is 30 minus 2P. Same to same यहाँ पे आ गया. For price less than rupees 15, price less than rupees 15 के लिए क्या होगा? P is smaller to or is equal to 15. Market demand for a good D1P plus D2P. 20 minus P plus 30 minus 2P is equal to 50 minus 3P. For price less than rupees 15. A price for price more than rupees 15 but less than rupees 20, 15 is less than P or P is less than or equals to rupees 20. So market demand is equals to D1P plus D2P, 20 minus P plus 0. For P is greater than 15, D2P is equals to 0. 20 minus P. For price more than rupees 20, P is greater than 20. Market demand is equals to D1P plus D2P, 0 plus 0. That is for P is less than 10, D1P is equals to 0, D2P is equals to 0. So 0 ho gaya, that market demand. 50 minus 3P if P is greater than, smaller than or equal to 15, and 20 minus P is 15 is less than P and P is less than or equal to 20, and 0 if P is greater than 20. So yahan par teen case nikal ke aaye hain upar se lekar niche tak. Ab isko dekho ek baar aap properly apne hisab se samajhne ki koshish karo. Ek screen share pe aapko dikh raha hai, isko aap dekho. Jis step pe aapko samajh nahi aaye wo step mein se poocho, main aapko samjha deta hu. और समझ आ जाए तो प्लीज रेज योर हैंड. सर इसमें क्या समझाऊं मैं, सारी पुट करिए वैल्यू और क्या है, सारे ट्रांसपोज किए हैं लेफ्ट से राइट में, है ना? तो आप एक बार अपने हिसाब से आपको जैसे समझ आ रहा है मैथ्स के लैंग्वेज में मेरे को समझा दो ताकि सारे सारे सब लोग सुन ले और उनको भी समझ आ जाए. सर लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट लग रहा है सर. पी वी को एक साइड ले रहे हैं, कांस्टेंट को वेरिएबल को अपने अलग रख रहे हैं सर. वही सेम वही चीज है सर जो मैथ्स में होती है. ठीक है, और किसको किसको समझ आ गया और किसको किसको समझ नहीं आया? थैंक यू मनीष. लीनियर इक्वेशन किया हुआ होगा आई बिलीव आप सबका. लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, इसको मैं भेज दूंगा आपको, आप प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा. अगर नहीं समझ आता है, वैसे ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क मी,
प्रॉब्लम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, कल आके उसको प्रॉपरली और एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। डी पी इज इक्वल टू 10 - 3p, देखो दिया हुआ है, डी पी इज इक्वल टू 10 - 3p, पी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10/3, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 10/3, तो डी पी क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसी को यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। डी वन पी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो दिया हुआ है डी वन पी इज इक्वल टू 0 एट इफ पी इज ग्रेटर देन 10/3, इफ पी इज ग्रेटर देन 10/3, उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया। अब मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मार्केट डिमांड क्या होता है, सारे कंज्यूमर का जो सम अप कर देते हो आप डिमांड को, तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। फॉर प्राइस लेस देन और इक्वल टू 10/3, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू 20 सम ऑफ डीपी, सिंस कंज्यूमर हैव आइडेंटिकल डिमांड कर्व, 20 × 10 - 3p करोगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ही पुट किया हुआ है और कुछ नहीं है, 200 - 60। और प्राइस ग्रेटर देन 10/3, वापिस आप फॉर्मूला फिट करोगे, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू 20 × D1p, 20 × 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मार्केट डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू 200 - 6p, इफ पी इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू 10/3 एंड इज इक्वल टू 0 इफ पी इज स्मॉलर देन 10/3, इफ पी इज ग्रेटर देन 10/3, तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड फंक्शन। क्यों, क्योंकि 10/3 के ऊपर जाती है मार्केट डिमांड तो 0 पे आ जाएगा, बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू बाय दैट थिंग। ये आपको उस डिमांड फंक्शन के अंदर लीनियर इक्वेशन के थ्रू जब आप निकालते हो तो मिल जाता है। और अगर पी इज इक्वल टू और लेस देन 10/3 होता है प्राइस, तो फिर क्या होगा, मार्केट डिमांड क्या होगा, 200 - 60p। तो ये यहाँ तक आप सॉल्व करो, समझो, मैं आपको ये अभी क्लास ओवर होने के आधे घंटे के अंदर अंदर ये डॉक्स डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, अपनी कॉपी में उतारो और इसको पूरा प्रॉपरली रीड करो, कल जो भी डाउट है इसका और पहले 2-3 चैप्टर का जो भी डाउट है कल आप पूछोगे, अदरवाइज मैं भी कुछ क्वेश्चन आंसर दौड़ लेके आऊंगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री कृष्ण।